मेरे हस्बैंड यहाँ पे लेक्चरर हैं, उन्होंने तीन शादियाँ कर रखी हैं और मुझे बार बार परेशान कर रहे हैं। दो बार वो मुझे तलाक दे चुके हैं, तीसरी बार तलाक देने की धमकी दे रहे हैं और मेरे को उन्होंने झूठा मुकदमा कर रखा है कि मैंने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। इसलिए मैंने उनके लिए FIR कराई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं कॉलेज में बार बार आ रही हूँ तो कॉलेज वाले यही कह रहे हैं कानून प्रशासन से लिखवा कर आएंगे, तभी उनको बड़ी कार्रवाई। अब मैं लिखवा कर लाई हूँ, अगर वो कार्रवाई करते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैंने उनसे कहा था मैं मुझे क्या करूँ, मैं इतना परेशान हूँ। जाओ बच्चों स्कूल के। कहाँ से जानी पड़ा? जानकी नगर की रहने वाली हूँ। बहुत ज़्यादा परेशान हो गए वहाँ पर। मैंने जाकर FIR कराई है, लेकिन ये पैसा भर देते हैं हर जगह। क्या नाम है इनका? सैयद अनवर है। ये कब से कर रहे हैं लेक्चर? मुझे होगा करीब 30 साल। अच्छा जी। मेरी शादी को भी 28 साल हो गए, मेरे दो बच्चे एक बेटा एक बेटी है। तो आज आप यहाँ पर कॉलेज में क्या करने आए हैं? मैं कॉलेज में इनकी शिकायत करने आई हूँ। जया साहब ने लिखा है कि इनको पर कार्रवाई हो, अगर कार्रवाई होती है तब तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे देखा जाएगा कि क्या अपनी शिकायत आ जाएगी। सर आज जो महिला एक शिकायत लेके आई है यहाँ पर जी, तो क्या मामला है, पूरा प्रकरण क्या है? देखिए ये हमारे यहाँ एक प्रवक्ता हैं अनवर अली रिजवी जी, हिंदी में प्रवक्ता हैं। इनका कुछ पारिवारिक मामला चल रहा है, कुछ हस्बैंड और वाइफ में अनबन है कुछ, तो वो हमें दोनों ही तरफ से लेटर प्राप्त हो रहे हैं जी, वाइफ की तरफ से भी और हस्बैंड की तरफ से भी। लेकिन चूँकि ये पारिवारिक मामला है, इसमें कॉलेज स्तर से क्या हो सकता है बताइए, कुछ भी नहीं हो सकता। दूसरे उनका मामला ऑलरेडी जब न्यायालय में चल रहा है तो न्यायालय से ही होगा दोनों जो होना है, विद्यालय से इसमें कुछ भी नहीं। महिला का आरोप है कि वो सरकारी सर्विस से यहाँ कर रहे हैं, उसके बाद भी उन्होंने एक उनकी मतलब उनकी पत्नी है, तीन और दो शादी और कर ली उन्होंने, तो वहाँ से यहाँ से क्या कार्रवाई की जाएगी स्कूल से कॉलेज से? इसमें स्कूल से कार्रवाई तब होती जब आपने कोर्ट में कुछ नहीं किया होता, और हमारे उच्च अधिकारी जो है जिला विद्यालय निरीक्षक वहाँ भी दे दिया, वहाँ से भी होगा या फिर कोर्ट। लेकिन जब कोर्ट में मामला पहुँच जाता है तो किसी और का हस्तक्षेप करना बेकार है, हम कैसे हस्तक्षेप कर सकते हैं उसमें? दूसरे हम विद्यालय स्तर से कर क्या सकते हैं? हम ना निलंबन कर सकते हैं, ना उनकी तनख्वाह काट सकते हैं, ना उनका हर्जाना बनवा सकते हैं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं। अगर कोर्ट न्यायालय अगर ये केस न्यायालय में नहीं पहुँचा होता तो हम अपने स्तर से कुछ सुलझाने की कोशिश करते हैं, इस समय हमारे हाथ में कुछ भी नहीं। ठीक।